आई विश देम ऑल द लक एंड स्वराज इज़ माई फ्रेंड, जो मेरा पहला टैलेंट के जो ओनर है, उन्होंने मुझे बुलाया है और मैं यहाँ पे आया हूँ। एंड नए टैलेंट को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए और आई एम हियर टू सपोर्ट देम एंड आई विश देम ऑल द लक के तीनों सिंगर सोनू निगम ना बने। तो पूरी दुनिया जानती है गलत था। उन्होंने एक्चुअली पहले ये बोला था कि लाउड स्पीकर के बारे में उन्होंने कहा था, लेकिन लाउड स्पीकर गुंडागिरी कहाँ करता है? गुंडागिरी तो उन्होंने किसी और को बोला था, पर फिर वो थोड़े से घबरा गए, उन्होंने अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया और सबको मिला दिया उन्होंने साथ में। तो गलत बात है, हमारा देश सेक्युलर कंट्री है, यहाँ पे अजान भी होगी और मंदिर में आरती भी होगी, ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे कोई भी चीज़ कोई बदल नहीं सकता। धर्म को लेके जो इतने सालों से चला आ रहा है वो कोई नहीं चेंज कर सकता। नहीं, सोनू निगम को पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया और मेरे घर पुलिस भेज दी गई। नहीं, उनको ऐसा लगता है कि मेरे घर में कुछ है, पर फिर कुछ नहीं मिला उनको, क्या मिलेगा। अपने वर्डिंग को लेकर हमेशा आप सुर्खियों में रहते हैं, अभी हाल ही में जो आपने योगी योगी के बारे में बोले थे, जो एंटी रोमियो चल रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मतलब प्यार करना भी गुनाह है? यार प्यार करना गुनाह तो नहीं है यार, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, योगी जी देश की बात नहीं कर रहे हैं और अभी मतलब जितने भी ये पाकिस्तान में अटैक हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, बोल रहे हैं, ये सब सारी झूठ चीज़ें और सारे झूठे बकवास हो रहे हैं। अरे देश की बात करो, देश को चेंज करो। आज एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक लड़का लड़की यूनिवर्सिटी पकड़ के ले जा रहा है, आई कार्ड दिखाओ, कहाँ तक इसमें सच्चाई, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? एक लड़का लड़की अगर जा रहे हैं उसको रोक के बोला अपना आई कार्ड दिखाओ, अब ये पुलिस है, कुछ भी कर सकती है, पुलिस तो कुछ भी कर सकती है, आई कार्ड मांगेगी दिखा दो, पर उसमें अगर उनकी कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई जा रहे हैं आई कार्ड मांग रहे हैं दिखा दो। प्यार करना गुनाह है, दो लड़का लड़की साथ नहीं बैठ सकते, उसके बारे में एंटी रोमियो चला यूपी में अभी योगी की सरकार, जिसके बारे में आप अभी से बोलते हैं, योगी जी को बोलना पहले वो बूचर खाने बंद करा दो जो लाइसेंस के साथ चल रहे हैं, और देश के लिए कुछ कर लो। ये एंटी रोमियो, ट्रिपल तलाक, हलाला, ये सब गलत चीज़ें हैं, गलत चीज़ें मत करिए सर। अभी अभी आप CM बने, अच्छी चीज़ कर लीजिए सर, देश के लिए कुछ चेंज ले आइए, वो अच्छा होगा। और हाँ, मेरा बेला टैलेंट के लिए प्लीज़ ट्वीट करिएगा योगी जी, टैलेंट कंपनी अच्छी है। सुनने में आ रहा है योगी से मिलने जा रहे हैं आप, अब यूपी जा रहे हैं, सुनने में आ रहा है कुछ खबर आ रही है? पता नहीं, चोरे को बहुत खबर आ जाती है यार, मिलने जा रहे हैं सुनने में? अरे नहीं भाई, हम नहीं जा रहे मिलने, हम कभी नहीं जाएंगे, योगी जी हमसे मिलने आ जाए वो अलग बात है, हम कभी नहीं जाएंगे। मैं इन सब से ये कहना चाहूँगा कि काजोल जी के पीछे पड़ने से अच्छा है हार्ली डेविडसन के को भी ट्रोल कर लो, लुई विटोन को भी ट्रोल कर लो, आपकी चाची, आपकी आंटी और ये जो अमीरों की जो बीवियाँ हैं वो सब काओ लेदर के बैग लेके घूम रही है बड़े बड़े, और बड़े बड़े लोग काओ लेदर के जैकेट पहन रहे हैं। तुम लोग से कुछ होगा नहीं, खाली तुम बस ट्रोल करवा लो घर पर बैठ के, फेसबुक पर, ट्विटर पर काजोल जी को गालियाँ दे रहे हो आप, शर्म आनी चाहिए तुमको। अभी कहाँ गया तुम्हारा रिस्पेक्ट वुमन? ये कोई नहीं है भाई, ये मोदी के पेड लोग हैं जो पैसे दे के बैठे हुए हैं, वो पेड मीडिया है सारी के सारी, उसमें उसने बहुत सारे लोग बिठाए 1000-1500, जो आप मोदी और योगी को कुछ बोलेंगे, अमित शाह को कुछ बोलेंगे तो आपके पीछे लोग लग जाएंगे और आपको बहुत गालियां देंगे। पर खैर, मेरे फैन ने तो पेड मीडिया की भी बजा दी। थैंक यू यार। सोशल मीडिया के योगी बन गए हैं आप? मैं कहा योगी, योगी अल्लाह दुश्मन को योगी ना बनाए कभी। बेटा हम जोगी है सोशल मीडिया के, वो योगी है और हम जोगी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है। देखो भाई, सब आ गई हमारी जान, एक बार हक दे दो हमें तो क्या हो गया ऐसे, तुम हमारी बहन हो, देखो हमारी बहन है, हमारे जैसी लग रही है और ये हिंदुस्तान की सबसे अच्छी PR है। आई लव यू। हमारे लिए आ गए यहाँ पे क्योंकि स्वराज ने दो फोन किए। हो गया भाई, मिल गया, अब ये टाइटल सही दिलवा दे रहा इनसे।
पहले आपका इंट्रोडक्शन सामने। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, माई सेल्फ जीत प्रमाणिक। आई एम सना अजीज। माई सेल्फ रवि आसोपा। किस तरह का परफॉर्मेंस होने वाला है आपका? धमाकेदार जी। बिल्कुल, आज आपको फोक म्यूजिक देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। और राजस्थानी फोक, जो मैं बेसिकली राजस्थान से हूँ तो मैं उसको ज़्यादा अच्छे से कर पाता हूँ, तो मेरा जोनर है, तो मैं बहुत अच्छी तरह से करूँगा। और सूफी और राजस्थानी एक कॉम्बो पैक में आज आप लोगों के बीच में हूँ। एक सामने जी, पधारो मारे देश, पधारो मारे देश जी, केसरिया धरो मारे दे। थैंक यू। दरअसल हमारा जो आज का परफॉर्मेंस है, इसमें सूफी भी है, मेलोडी भी है, और कुछ मिक्सचर्स आपको 60s से लेके आज तक का म्यूज़िक भी सुनने को मिलेगा। एब्सोल्युटली। लाइक हमारे पास ऐसे गानों के सेटलिस्ट हैं जिसमें कि आपको 60 के दशक के कुछ अच्छे सॉन्ग्स और आज के करंट सॉन्ग्स भी एक नए रूप में देखने को मिलेंगे। तो बॉलीवुड, जैज, पॉप, कुछ एक गज़ल, तो बहुत वैरायटी है, न्यू, ओल्ड, फास्ट, स्लो, बहुत अच्छे अच्छे कंटेम्प्रेरी सॉन्ग्स आप लोगों को सुनने को मिलेंगे। We are very thankful to Mirabella and we are very excited about this performance. We are very excited. Thank you, Mirabella. उन्होंने हमें इतना बड़ा मौका दिया है, तो हम आज बिल्कुल। We are very thankful to Panchali Chakravarti. We are very thankful to Swaraj Kapoor. Yes. Then we are very thankful to all Mirabella talent team. Thank you so much. Thank you so and much. And hope you guys will enjoy our performance tonight. Yeah. Milte hain iske. Thank you so much. Thank you so much. How do I have to pick up some? Nothing. Well, it's a very, very proud day and a moment for me. Me as the CEO and the owner of the group of Mirabella, our endeavor today is towards establishing certain ideology. We are not doing any kind of business. And the ideology is that the nation should be understood for its real ethos, which is spirituality, yoga, love, ethos, talent. We are working towards Mirabella Holistic Yoga Centers, which will be establishing yoga and teachers all over the country. We are also starting our Spiritual Clothes of India, in which we are tying up with the topmost people, and we want the brand to go international. And of course, you know, the nation building can only happen if you groom the right talent. And we have some very established names. We don't go like run of the mill kinds. We don't go and pick up anybody. We pick up like very few selected people. We have selected some very established people who are very good in the job, who are very brilliant actors, performers, directors. And we have also streamlined and selected, especially my partner Panchali, picked up talent from the road, like, you know, where we really thought that they need encouragement and this would really make a mark in the country. So I think we have done a good job and we're going to showcase some of that today. The three singers who are going to be coming and the actor, directors of ours who are coming and endorsing us. I'm very, very thankful to all of you at the media, with the people and the nation for encouraging us. We have some very eminent people on board. We have a brilliant actor. I find him an amazing guy as a thinker, Randeep Hooda, you know. His orientation is beyond an actor. He thinks about good things in life. He's very organic in his mind.
We have Chitrangda, we have Daisy Shah, we have Ira Dubey, we have got Mansha Behel. Then we have iconic directors like Rajkumar Santoshi ji, Anees Bazmi saab. So it's a mix of real big heavyweights and endorsed by the new upcoming talent, which we really think would tomorrow become the next legends. Like I said, our ideology is totally different to everybody else. We are not run-of-the-mill kind. We are not looking for numbers, as in making money, not having 300 people on board. We are very exclusive. We pick and choose people who really matter, who would make a difference to us as a brand. And vertically, they help each other. For example, if I'm doing organic clothes and yoga, I have people like Randeep, Chitrangda, Rajkumar Santoshi saab, who believes in those ideologies which will help us, you know. So we, and crossover, then we have singers who are really, really talented, you know. They are not the kinds you will just find, you know, anywhere. So I think we are very choosy about who we are working with, and we want to back up those kind of people who are choosy about themselves also. So it's, I think it's very different. We are not like picked up 20 models, 20 actors, let's do this, let's do that. No, we're very selective. To be a part of Mirabella would be a very prestigious thing for the people working, you know? So I think we are different. I didn't get you. See, what we are doing is, because Panchali has been in this industry for last 20 years, donkey years, you know. And she has headed Reliance, Balaji, so many people. And I think I've been very choosy about the kind of people I want to be associated with. With the background she has a know-how about associations, people, the bigwigs. So of course, you know, you need to be talented. And you know, once you pick the right talent, what it needs is to be showcased in front of the right people. That's what it requires, right? So I think between me and Panchali, what we are going to do is we are going to showcase the talent in the right way, in the right spirit, to the people who matter. And then, of course, is their work, their destiny, and so many other things. But from our side, we will leave no stone unturned for us to see that they reach the right space in life. सारा टैलेंट है हमारे देश में, उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है. मैं बहुत बहुत खुशी की बात है कि मेरा पहला टैलेंट इन नए सिंगर्स को प्लेटफॉर्म दे रही है परफॉर्म करने का और काम पाने का. और एक आर्टिस्ट को पेटर्नेज की ज़रूरत होती है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है. बाहर से आके, छोटे शहरों से आके यहाँ पर अपना मुकाम बनाना बिना पेटर्नेज के मुश्किल होता है, नामुमकिन नहीं होता है. बिल्कुल भी नहीं. ओके, एनीथिंग एल्स? क्या करेंगे मुझे बताइए पहले आप.
वो तो देखने दिया नहीं आपने, मुझे बुला लिया उसके पहले, क्या बताऊँ मैं। Only heard one lady singing a song and she was singing good. वो एक बता देता हूँ मैं, I don't know the name also, please tell me क्या नाम था उनका। सना, सना, सना अजीज। अच्छा ठीक है, बताइए, पूछिए, बोलिए। आप सर हम जानना चाहते हैं कि जो मेरा पहला यंग टैलेंटों को चांसेस दे रहा था उसके बारे में क्या कहना चाहूँगा। अजी ये बड़ी अच्छी बात है। मीरा बेला, ये मीरा बेला का नाम क्या है उनका यार, मैं भूल रहा हूँ उनका नाम। हाँ सना जी तो है, सिंगर है, जो ओनर है ना उसके नाम मैं भूल रहा हूँ, मैं स्वराज, स्वराज। ये यहाँ पे कुछ नए सिंगर्स को मौका दिया है एंड आई हर्ड सना करके सिंगर है, उन दो गाने मैं सुने, मैंने भी बहुत ही अच्छा गाया उन्होंने, काफ़ी इमोशन के साथ में, काफ़ी फीलिंग के साथ में, एंड माय बेस्ट विशेस टू हर एंड मोर देन दैट आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट एंड माई बेस्ट विशेज टू मिस्टर स्वराज एंड मीरा बेला। ये हमेशा नए टैलेंट को इनक्रेज करते हैं, उनको डाइस देते हैं, मौका देते हैं, प्लेटफॉर्म देते हैं ताकि लोग सुने और उनको मौका दें आगे काम के लिए। ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं एंड इसके लिए मैं स्वराज कपूर जी को एंड मीरा बेला को मुबारकबाद देना चाहूँगा। थैंक यू। बिल्कुल मौका मिलना चाहिए जी, सबको यंग टैलेंट को मौका मिलना चाहिए। मैं भी कभी यंग था, स्ट्रगल किया था, मौका मिला तो कुछ काम करने का, काम दिखाने का मौका मिला मुझे, तो इसीलिए आई ऑलवेज फील दैट न्यू पीपल, न्यू टैलेंट शुड बी एनकरेज्ड एंड उसके लिए प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। और ये अच्छा काम कर रहे हैं मीरा बेला, स्वराज, उनको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, वरना नए टैलेंट को तो मौका ही नहीं मिलेगा रीच करने का। तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी हाँ, अंदाज अपना अपना का सेकंड पार्ट पे मैं काम कर रहा हूँ, जब स्क्रिप्ट की तसल्ली हो जाएगी तब अनाउंस करेंगे उसके बारे में, बताएंगे। कितने हद तक कंप्लीट हो चुकी है? टू अर्ली टू से अभी एट प्रेजेंट तो मैं बैटल ऑफ सारागढ़ी बना रहा हूँ मैं, तो ये कंप्लीट होने के बाद देखेंगे। बड़ा अच्छा लग रहा है, रणदीप थोड़ा बहुत अच्छे एक्टर हैं वो सब जानते हैं, मेरा पहला मौका है, बहुत ही इन्वॉल्वमेंट के साथ काम करते हैं, बहुत ज़्यादा होमवर्क करते हैं एंड डायरेक्टर के साथ कदम ब कदम मिला के चलते हैं, वो वेरी हार्ड वर्किंग, टैलेंट तो सब देखते हैं, सबने देखा है टैलेंट उनका, टैलेंटेड हैं। आई एम वेरी वेरी हैप्पी वर्किंग विद रणदीप हुड्डा। सॉरी मुझे अफसोस है इस बात का, क्योंकि सरबजीत में उसने बहुत ही इंटरनेशनल लेवल के परफॉर्मेंस दिए हैं, इसमें कोई शक नहीं, तो आई डोंट नो जूरी ने क्यों उसे अनदेखा किया है, तो डिजर्विंग परफॉर्मेंस है सरबजीत। पनपने का बहुत कम प्लेटफॉर्म्स दिए जाते हैं इस कंट्री में। आज के तारीख में बहुत सारे रियलिटी शोज़ हो रहे हैं, आज के तारीख में बहुत सारे रियलिटी शोज़ हो भी चुके हैं, उसमें से काफ़ी सिंगर्स बाहर आए हैं, काफ़ी जीते हैं, बट प्लेबैक में सबको मौका नहीं मिलता है और वहाँ पे कुछ चुनिंदे लोग हैं जिनका मुकाम बनाया हुआ है। मैं चाहती थी कि कुछ चुने हुए लोगों को हम इकट्ठा करें
और मिराबेला टैलेंट्स उनको प्लेबैक की प्लेटफॉर्म पेश करें, उनके लिए प्लेबैक करने का प्लेटफॉर्म तैयार करके उनको दें। जैसा कि पंचाली जी ने बोला, हम लोग सिर्फ एक वो मुकाम है जो एक अच्छे टैलेंट को उसके मुकाम तक ले जाए, और पंचाली जी के एक पारखी नज़रें हैं, 15-20 साल का उनका अनुभव है, और उस अनुभव को इस्तेमाल करते हुए वो चुनिंदे उन हीरो को परख कर और उनको उनके मुकाम तक पहुंचाने का काम कर रही हैं, जो कि बहुत अच्छा और खूबसूरत काम है। थैंक यू।